माँ जी बोलो अनुपमा। क्या बोलूं माँ जी, पता है कि जवाब आपके पास भी नहीं है। सब लोग मंत्री पूजा के लिए रुके हुए हैं, माँ मेरा भी होना है। चाची पूछ रही है कि क्या करना है। जवाब तुम खुद दे चुकी हो अनुपमा, मुझसे कुछ मत पूछो। मेरे तो सारे देवी देवता जैसे मुझसे रूठ गए हैं। जी करता है नींद की गोलियां खा के सो जाऊं हमेशा के लिए। मेरी तरफ देखिए माँ जी, याद है जब आप मुझे ब्याह कर इस घर में लेकर आई थी, तब आपने मेरी माँ से वादा किया था कि आप मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगी। अब तो मेरी माँ भी नहीं रही माँ जी, और आप इतनी जल्दी वादा भूल गए। अगर आपको गोलियां लेनी है तो पहले मुझे जहर दे दीजिएगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? धीरज रखिए माँ जी, देवी देवता रूठ गए हैं तो उन्हें मना लीजिए। वो तो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, सच्चे मन से उनके सामने सिर झुका ले तो वो मान जाते हैं। शायद तो ठीक कहती है, अब तो उनका ही आसरा है। राजा ने अभिषेक कहाँ गया होगा। लीजिए, यह है हमारा छोटा सा आशियाना। अब कुछ समय के लिए इसे ही अपने सपनों का महल बनाना पड़ेगा। अरे भाई वहां क्यों रुक गए, आओ ना। कम सुजाता, ये अपना घर। अभिषेक, दिस इज ब्यूटीफुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या हुआ सुजाता? अभिषेक, स्कॉलरशिप की लाइन में इंतजार करते वक्त मैं हमेशा सपना देखा करती थी कि एक ना एक दिन मेरा अपना घर जरूर होगा। तुमने मेरा ये सपना पूरा कर दिया है। मेरा ये सपना पूरा कर दिया है अभिषेक। लेकिन मेरा सपना तो तुम हो सुजाता। जानते हो अभिषेक, ये फर्श, ये दीवारें, इस घर की हर एक चीज हमारी है। ओह माय गॉड, इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। Look at this. Wow. मैं खुशी से पागल हो रही हूँ अभिषेक। लेकिन घर थोड़ा छोटा है। नहीं अभिषेक, घर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, घर तो घर होता है। और वैसे भी ये घर मेरे लिए कितना बड़ा है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। और घर का बड़ापन स्क्वायर फुट से नहीं, उसमें बसे प्यार से मेजर किया जाता है। और इस घर के कोने कोने से मुझे तुम्हारे प्यार की खुशबू आ रही है अभिषेक। ओ सुजाता, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। फिर ए सुजाता। बुआ जी, मंत्री पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है और देखो ना, घर का कोई भी नहीं आया है। देवी देवता की पूजा होगी या नहीं? समझ में नहीं आता इस बारे में मैं क्या जवाब दूं। लड़का घर से गायब है, पता नहीं लौट कर आता भी है कि नहीं। सब इसी उलझन में है। किसी का काम में मन लगे भी तो कैसे। लेकिन बुआ जी, अगर अभिषेक वापस नहीं आया तो क्या मल्लिका की बारात भी नहीं आएगी? अब इस बारे में मुझे क्या मालूम। लेकिन बुआ जी, अब हम क्या करें? तुम बैठ के रास्ता देखो। अनुपमा गई है ना सुमित्रा को बुलाने के लिए, देखो क्या कहती है। जी। और सुनो जी, एक काम करो,
वो जबलपुर वाली जो है ना, उनसे इस बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हें पता है ना, राई का पहाड़ बना देंगे। ठीक है बुआ जी, चलो चलो। किसी का क्या बिगाड़ा था हमारी बच्ची ने? हमने लड़का बताया, इसने हाँ कह दी, क्या गलत किया? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। जब से शादी की तैयारियां शुरू थी, विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न। सच कहती हूं, अगर मल्लिका की सगाई में शिवानी आई ही ना होती और राजेश्वरी ने उन्हें देखा ही ना होता ना, तो ये मुसीबतें ही ना आती। ये तुम क्या कह रही हो मां? तुम चुप करो मल्लिका, कसूर मेरा ही है। मैंने ही जोर देकर शिवानी को मल्लिका की सगाई में बुलाया। काश मैंने शिवानी को बुलाया ही ना होता। मल्लिका जा अपने कमरे में जाके आराम करो, जा। जी बाबूजी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो उसके मन में जहर घुल रही हो तुम? ऐसा मैंने क्या कह दिया? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि सारे मुसीबतों की जड़ शिवानी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर अभिषेक वापस ना आया और शिवानी की शादी रुक गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मल्लिका का रिश्ता भी तोड़ दे। तो क्या तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि शिवानी की शादी अगर रुक जाती है तो क्या होगा? उसकी भी चिंता है, पर मल्लिका के बारे में भी तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना। अगर मां बन के सोचना चाहती हो ना, तो मल्लिका के साथ साथ शिवानी की भी मां बन के सोचो। अरे हम सब इस छत के नीचे केवल रहते नहीं बल्कि जीते भी हैं। अपना दिल अपना दिमाग बड़ा करो रागिनी। सुख बांटना जानती हो ना, तो दुख बांटना भी सीखो। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या शिवानी के लिए मैंने कुछ नहीं किया? बड़े भैया और भाभी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके मुकाबले तुम्हारा करना पासंग के बराबर भी नहीं। रागिनी शुक्र करो कि देवता समान जेठ तुम्हें मिले हैं, जिन्होंने हमारी बेटी की शादी के लिए अपनी बेटी की खुशियों की आहुति दी। और हाँ, आइंदा तुम जो कुछ भी बोलोगी सोच समझ कर बोलोगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी 25 साल पुरानी पसंद पर मुझे पछताना पड़े। अभिषेक अभी बस भी करो ना, चलो आओ जल्दी आओ, मैंने खाना लगा दिया है। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। मैं उधर की पेंटिंग इधर लगा रहा हूँ, जरा आके तुम भी देखो ना कैसी लग रही है। तुम खुद डिसाइड कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे ये अभिषेक ने मोबाइल क्यों ऑफ रखा है? अभिषेक अभिषेक देखो तुम्हारा फोन आया है। तुमने इसे ऑन क्यों किया यार? क्यों नहीं करना चाहिए था? I'm so sorry, मुझे लगा कि No, it's all right. मामा जी सुजाता प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके हेलो। शुक्र है तुम्हें फोन रिसीव करने की फुर्सत तो मिल गई ऑलरेडी। कहिए मामा जी क्या काम है? काम अब हम क्या बताएं भांजे, काम तो तुमने दिखा दिया ना हमें ऑलरेडी, अपने मामू को ही डबल क्रॉस करके। मामा जी इस वक्त मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता प्लीज। देखो बात तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय तुम पूना वाले मेरे ही फ्लैट से बोल रहे हो ऑलरेडी। मामा जी मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ना 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 ऐसी गलती मत करना भांजे, क्योंकि तुमने अगर उधर फोन का कनेक्शन काटा
तो समझ लो यहाँ अपने घर से तुम्हारा कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाएगा ऑलरेडी। मामा जी आप मुझे धमकी दे रहे हैं? दीदी बहुत परेशान है, उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। अगर ये शादी नहीं हुई तो वो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगी, और एक मामूली सी लड़की के लिए करोड़ों की जायदाद से हाथ धो बैठोगे ऑलरेडी। ज्यादा सोचो मत भांजे, कहीं ऐसा ना हो कि जायदाद भी चली जाए और लड़की भी हाथ से चली जाए। तुम्हारे और उस लड़की के लिए बेहतरी इसी में है कि पहली फ्लाइट पकड़कर तुम मुंबई चले आओ ऑलरेडी। यहां तुम्हारा सबको इंतजार है ऑलरेडी। न जाने कैसी मनहूस घड़ी में पिताजी ने शिवानी और मल्लिका की शादी का शगुन विचारा था। शादी है के सर पे खड़ी है और अब शगुन पीछा छोड़ने का नाम तक नहीं लेते। कितनी बड़ी बड़ी शादियां देखी है इस हवेली ने, लेकिन ऐसी मनहूस शादी आज तक नहीं हुई होगी। जिस शादी को आप बड़ी शादी कहते हैं, शादी का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। फिर और क्या मतलब होता है शादी का? इंसान टुकड़ों टुकड़ों में जिंदगी जीता है, बेटा बेटी, पति पत्नी और कभी माँ बाप की शक्ल में। इंसान की जिंदगी का दो तिहाई हिस्सा शादी के बाद शुरू होता है। इंसान खुश रह पाएगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर होता है कि उसने किससे शादी की है। समझना आसान है कि इंसान की जिंदगी में शादी के फैसले की क्या अहमियत है, और अगर वो फैसला भी कोई और ले ले तो शादी तो मनहूस ही होगी ना। तुम किसकी बात कर रही हो? शिवानी की। हमारे परिवार में इसी तरह रिश्ते होते रहे हैं। होते रहे हैं और स्वीकार भी किए जाते रहे। किसने खुशी से स्वीकारे, किसने मजबूरी में, कौन सुखी है कौन दुखी, मुझे उन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शिवानी जैसी समझदार लड़की पर अपना फैसला थोपना समझदारी नहीं है। तुम साबित क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि पिंजरे में बंद परिंदे को दाना पानी देने वाला ये समझने लगता है कि परिंदा उठना भूल गया है, लेकिन वो गलत है। परिंदे का तो स्वभाव है उड़ना, खूब ऊंचे उड़ना। फिर भले ही उसे तेज हवाओं का सामना ही क्यों ना करना पड़े। आवारा परिंदे शिकारियों की गोली का निशाना बन जाते हैं। लेकिन इससे परिंदे तो गुनहगार नहीं बन जाते ना। देखो मैं बेकार बहस में नहीं पड़ना चाहता। इस घर में वही होगा जो आज तक होता रहा है। इतना तो मैं भी जानती हूं और शायद शिवानी भी। ये कैसी उलझन में डाल दिया बोले ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब बगावत करने की हिम्मत की तो राजीव नहीं आया, और अब जब सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही है तब ये खबर की। भोलेनाथ ये कैसा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? इतनी कश्मकश सहना मेरे बस में नहीं है। आपने शक्ति दी तो मैं प्यार करने की हिम्मत जुटा पाई। भोलेनाथ मुझे फिर से आपकी जरूरत है, आप ही बताइए मैं क्या करूं। मन अंधेरे के भंवर में डूब रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, अपनी शिवानी को रास्ता दिखाइए। शिवी चल चल। भैया कुछ मत बोल, चल मेरे साथ। भैया आखिर बात क्या है? कुछ मत बोल, मेरे साथ चल। भैया आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तूने सुना नहीं हा? ये लोग तेरी शादी जिसके साथ करा रहे हैं ना, वो लड़का भाग गया वो घर से बेईमान। अच्छा हुआ तू भी भाग जा। देख इस घर में रहेगी ना
तो इस घर के दरिंदे तुझे चैन से जीने नहीं देंगे शिवी। चल भैया, भैया मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं, अब नहीं सुनूंगा। ये ले, ये पकड़। कुछ मैं बोला, जुबान मत अड़ा मुझसे। मैं बड़ा हूं ना तुमसे, तेरा भला बुरा अच्छी तरह से समझता हूं मैं। देख, अगर इस घर में रहेगी ना तो बेबसी के दिमाग तुझे भी खा जाएगी मेरी तरह, समझी? तुझे याद है ना शिवी, मेरे सुधा का क्या हाल हुआ था इस घर में? भैया मेरी बात तो सुनिए। चल चल चल। भैया मेरी बात तो सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? तू मुझे पागल समझती है? सबकी तरह तू भी मुझे पागल समझती है? मैं पागल नहीं हूँ शिवानी, मैं पागल नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी सुधा से बहुत प्यार करता हूँ। इस घर के लोग प्यार करने वालों को पागल समझते हैं। देख, ये देख, ये देख, ये कुछ रुपए हैं इस घर के चोरों से मैंने छिपा कर रखे हैं। इन्हें लेकर तू भाग जा। चल चल भाग जा। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। तू डर मत, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू चल चल, तू चल। ये सब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे शिवानी, ये सब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठाकुर साहब! नहीं ना निर्भय, नहीं शिवानी, ठाकुर साहब छोड़। शिवानी आज इस ठाकुर साहब को मैं दिखाता हूँ, तू छोड़ मुझे, छोड़। शिवानी नहीं मां, निकल जा, नहीं कमरे में, नहीं मां, नहीं मां, चलो चलो। शिवानी अभी भागते, शिवानी शिवानी भाग जा, चलो। शिवानी अभी भी भागते, शिवानी चलो, भागे शिवानी, चलो अभी भागते। शिवानी तू भाग जा, मेरी बात मान दे, भाग जा। क्या बात हो गई भाई साहब, अभिषेक के घर से भागने को लेकर कुछ बात हो गई क्या? तुम लोग चुप रहो, ना समय देखती हो ना मौका, जो मुंह में आए बोले जाती हो। जाओ यहां से। विक्रम जी, जी आप लोग भी जाइए, मैं इस वक्त अकेला रहना चाहता हूं। ताऊजी, ताऊजी गजब हो गए। अब तू क्या खबर लाया है? खबर तो बहुत बुरी है ताऊजी। वो महावीर है ना, जिसने हमारा कर्जा नहीं चुकाया था और जिसके घर पर हमने कब्जा कर लिया था। घर चले जाने से उसकी बेटी की बारात वापस लौट गई ताऊजी। और क्या? और उसकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली ताऊजी।